मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए या छाती, ये एक कॉमन सा सवाल है जो आप जैसे म्यूज़िक लर्नर्स का है, जो ये कहते हैं कि जब हम गायकी कर रहे होते हैं या रियाज कर रहे होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए या हमारी छाती, और आवाज़ का पेट से आना क्या होता है और आवाज़ निकल कैसे रही है और गायकी में आवाज़ का क्या रोल है, सांस का क्या रोल है, पूरा वीडियो देखिए और जानिए इस टॉपिक पर मेरे विचार, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी के विचार, उनसे ही एक डिस्कशन में ये बात निकली थी तो मैंने सोचा आप सभी तक पहुंचाऊं। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए या छाती। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। गुलाम अली खान साहब की गाई हुई, उनकी कंपोज की हुई ये गज़ल, और इनके शायर हैं फरत शहजाद साहब। ठीक है, तो आइए फिर से आते हैं उसी टॉपिक पर कि पेट फूलना चाहिए या छाती। छोटा सा एक साइंटिफिक इसका लॉजिक मेरे पिता गुरु ने समझाया मुझे, जो मैंने कहा कि आप सभी तक पहुंचाना चाहिए। सांस लेने का काम आपके लंग्स का है, तो जो फेफड़े जिसको हम कहते हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो पेट के थोड़ा सा ऊपर जो है, जहां आपकी आंतनियां हैं, जहां आपका ये रिब केज है, उसके पीछे जो है लंग्स होते हैं आपके। जब आप सांस लेते हैं तो एक बार सांस लेके देखिए, पूरी सांस भर के देखिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो पेट है अंदर जा रहा है, दब रहा है, प्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? और जैसे ही वो दबता है पेट आपका, ये समझ लीजिए, आप मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ आएगा, जैसे ही आपका पेट अंदर दबा तो सांस जो है ऊपर गई और जो छाती है वो बाहर आई। क्यों? क्योंकि छाती के हल्का सा नीचे है ना, एग्जैक्ट उसके पीछे नहीं, बट हाँ उसके पीछे और हल्का सा नीचे के पोर्शन में आपके जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं, उनमें जो है हवा भर जाती है। फिर जैसे ही आप बोलते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो बोलते समय हमारी सांस जो है शब्दों के माध्यम से बाहर आती है, है ना? जैसा कि हारमोनियम का मैकेनिज्म है, धमन से जब हवा अंदर आती है, स्वर दबता है, तो स्वर का जो साउंड है वो बाहर आता है और उसी के साथ जो है हवा बाहर आती है। वो जो हवा है, वो जो सांस है, वही आपके शब्दों में एक ध्वनि जो है जो पैदा कर रही है ना? तो यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी का भी है साइंटिफिकली, कि जब हम सांस ले रहे हैं तो पेट जो है अंदर जा रहा है, छाती जो है हल्की सी फूलती है, यानी उन फेफड़ों में जो है हवा भरती है, और फिर साउंड के माध्यम से, है ना, यानी या ये कहूँ कि हवा के माध्यम से वो साउंड आ रहा है, या ये कहूँ कि साउंड के माध्यम से वो हवा जो है निकल जाती है और मुंह से ही बाहर आ रही है। गाते समय भी यही प्रोसेस हो रहा है। एक छोटी सी और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने मुझे बताया कि आप जब बोल रहे हैं या गा रहे हैं तो अपने मुँह के आगे अपना हाथ रख के देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हवा जो है कैसे आ रही है। अगर इस डिस्टेंस पे आप रखते हैं, जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है ना, ये अगर आप ऐसे देखें, ये मैंने इस डिस्टेंस पे अपना हाथ रखा हुआ है ना, सा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब अगर ये मैंने हाथ अपने इतना करीब ले लिया, सा, है ना, तो आप हल्की सी गर्माहट जो है वो महसूस कर सकेंगे। और पास में ले लेंगे, सा, हल्की सी आपको गर्माहट महसूस होगी, वो जो भाप है जो मुंह के अंदर बनती है वो महसूस होगी, लेकिन हवा आते हुए महसूस नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए, और नाक के नीचे अगर हाथ रखेंगे तो आपको वो सांस महसूस होगी, है ना, आपको वो सांस महसूस होगी नाक से निकलती वक्त, है ना। लेकिन यही जब प्रोसीजर हम गाने में लाते हैं तो वो हवा महसूस नहीं हो रही। अभी जैसे मैं इस डिस्टेंस से गा रहा हूँ, सा, सा गा मा धा पा गा मा रे नी रे गा,
एग्जैक्ट सांस नहीं पर हाँ भाप आपको महसूस हो रही है, तो यही लॉजिक है कि वो जो पेट है वो नहीं भूलना चाहिए। जब सांस लेते हैं तो पेट जो है हमारा अंदर जाता है और फेफड़े जो है फूलते हैं, यानी छाती हल्की सी आपकी फूलती है, तो ये एक लॉजिक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, जैसा कि हम कहते हैं पोइट्री में इसका थोड़ा चलन ज़्यादा है, या हम जब बातचीत करते हैं तब हम कहते हैं ना कि यार दिल से सोचो, जो भी डिसीजन लो दिल से लो, है ना, और दिमाग से मत सोचो, ये जो डिसीजंस हैं ये दिमाग से नहीं दिल से लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लॉजिकली सोचें और साइंटिफिकली सोचें तो सोचने का काम, ख्याल का काम, विचार का काम दिमाग का है, दिल का नहीं। दिल का काम सिर्फ धड़कना है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फैलाना है, है ना, एक से दूसरे पार्ट में ब्लड को पहुंचाना है, वो दिल का काम होता है। दिमाग का काम होता है सोचना। कोई भी डिसीजन हो वो सारे दिमाग करता है, भले वो लॉजिकल हो भले वो इमोशनल हो। दिमाग के अंदर ही पार्टीशंस हैं, आपके दिमाग के अंदर हिस्से हैं, और कि भाई ये वाला जो पार्ट होता है वो इमोशनल डिसीजंस लेता है, वो जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जिसको कहते हैं वो जो पार्ट है वो लॉजिकल और यू नो मैथमेटिकल आपके डिसीजन लेता है लाइफ में, और स्टेटिस्टिकल जो डिसीजंस होते हैं वो लेता है, जिसमें लॉजिक लगाना होता है, जिसमें थोड़ा यू नो अलग अलग प्रकार का स्टेटिस्टिक रैशनल जो डिसीजंस होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं डिसीजंस जो इमोशनल डिसीजंस होते हैं, वो भी दिमाग का ही काम है, दिल का नहीं। तो दिल का काम सोचना नहीं है, दिल का काम धड़कना है, दिल का काम खून पहुंचाना है, सोचना दिमाग का काम है। उसी तरह से सांस लेना, साउंड निकालना फेफड़ों का काम है, पेट का नहीं है। पेट का काम पाचन का है, डाइजेशन का है, कि जो भी खाना आपका जाएगा वो उधर जाएगा। एक और एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया था पिताजी ने, कि खाना खाते समय अगर आप ज़्यादा बातचीत करते हैं तो क्या होता है, कई बार वो जो खाना है वो हमारी नली में फंस जाता है और ठसा आ जाता है, खांसी आ जाती है हमें। तो वो क्यों होता है? क्योंकि खाने का जो काम है वो चुप रह के करना चाहिए, क्योंकि सांस का काम उसी तरह से आप ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं उसी जगह से और खाना भी आप मुंह से ही ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, तो वो जब फंस जाता है नली में तब हमें ठसा लगता है, तो यानी वो खांसी आती है और अचानक से यू नो एक कफ सा पैदा हो जाता है। तो यही चीज़ है, पेट का काम जो है डाइजेशन का है, खाने का है, और फेफड़ों का काम जो है सांस लेने का है, और उसी से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड जो है वो टोटली आपका सांस से रिलेटेड है, तो सांस को साधिए, अपने आप आपका सुर सध जाएगा। वो जो वेव्स आपके स्वर में आते हैं जब आप सा लगा रहे हैं, जैसे मैंने सा लगाया सा, अब यही सा, ये जो वेव्स आपने महसूस किए ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी सांस सधी हुई नहीं थी, है ना, मैंने सांस ज़्यादा ले दी तो वो एकदम एक फ्रीक्वेंसी ऊपर गई, और जैसे ही मैंने सांस छोड़ा और कम कर दी तो वो एकदम फ्रीक्वेंसी लो हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए, सांस एक सधी हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ऐसा रियाज करना होगा जिसमें कि लंबी लंबी सांसें हों और पेट अंदर जाए, छाती फूले और फिर आपका स्वर जो है वो बाहर आए। ठीक है, तो एक छोटा सा आई गेस ये एक इशू था, एक कन्फ्यूजन था, जो अब दूर हो गया होगा आप सभी लोगों के दिमाग में। तो दिमाग में ही दूर हुआ हो तो बेहतर है, है ना। तो दिमाग को सोचने दीजिए, फेफड़ों को सांस लेने दीजिए, और संगीत सीखते रहिए, अपना रियाज करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कुछ ना कुछ मैं बातें बताता रहूँगा। आई नो कि एक वीडियो में उस चीज़ को यू नो एक उसको गैदर करके सबको समझाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को कवर कर दूँ 5 से 10 मिनट में, है ना। मुश्किल है, थोड़ा डिस्कशन लंबा चाहिए होता है, लंबी बहुत सारे और पॉइंट्स चाहिए होते हैं, पर मुमकिन नहीं हो पाता है, तो इतने में मैं इतना ही समझा पाता हूँ। कोशिश करूँगा आपको और नए टॉपिक्स लाता रहूँ। आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि और नया क्या टॉपिक हो सकता है। देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का ऐसे ही चैनल, और मैं कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा। धन्यवाद।